दोस्तों आज के समय में हर कोई बिजनेस करना चाहता है। आज के समय में आप देखेंगे बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग 8 से 10 साल तक भी तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कारण क्या होता है कि कहीं कम सैलरी होती है, उसके अलावा बॉस का प्रेशर होता है, टाइम पर छुट्टी नहीं मिल पाती है, अपने फैमिली के फेस्टिवल या फंक्शन को भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आज के समय में गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ रुख कर रहा है, बिजनेस के लिए नए नए आइडिया सर्च कर रहा है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, आपको अब तक नौकरी नहीं मिली है, या फिर अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं अब तक आपको उस सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, आपको उस तरह से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सैलरी नहीं मिली है, तो इन 10 बिजनेस में से किसी एक बिजनेस पर आप काम करके महीने के 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे टॉप 10 बिजनेस आइडिया जिन्हें आप शुरू करके महीने के 1 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं स्टार्टिंग में हमें कम प्रॉफिट होती है, लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है, अगर आप कहीं ना कहीं अगर बिजनेस को अच्छे तरीके से करते हैं तो जो आप पहले 500 या 100 रुपए कमा रहे थे उसे एक दिन आप 1 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप रेगुलर वर्क करते हैं, अपने काम के प्रति ज्यादा फोकस करते हैं, अपने काम में जितना ज्यादा मेहनत करते हैं आपका बिजनेस उतना तेजी से उतना ज्यादा ग्रो होता है। चलिए जानते हैं आज हम ऐसे टॉप 10 बिजनेस आइडिया। शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना, जिससे कि आपको बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया मिलती रहे। यहाँ पर जो पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है ब्लॉगिंग। देखिए दोस्तों ये बिजनेस आइडिया ऑनलाइन है, यानी कि इसे ऑनलाइन करना है, घर बैठ कर करना है, अपने लैपटॉप से इसे आसानी से कर सकते हैं। अब ब्लॉगिंग होता क्या है, कई बार आपने गूगल पर सर्च किया होगा कि हम बिजनेस कैसे करें, उसमें आपको कुछ टेक्स्ट लिखकर आते होंगे, कुछ आर्टिकल्स लिखकर आए होंगे जिन्हें आपने रीड किया होगा। उसमें एक चीज आपने देखा होगा कि उसमें कुछ एड 8 से 10 एड लगे होते हैं, वो जी एड से आप पैसे कमा सकते हैं। अब इसको कैसे शुरू किया जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनाना होगा। जिस भी फील्ड में आपको अच्छी नॉलेज है उस फील्ड पर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। जिस फील्ड में आपको ज्यादा नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, उसके लिए आप एक वेबसाइट बनवा सकते हैं और उसी टॉपिक पर अपना कंटेंट लिख सकते हैं। आपका कंटेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे वो पूरी हो जाती है आपका जो पेज है या वेबसाइट है वो मोनिटाइज हो जाती है। इसमें अगर बात करें तो यूट्यूब से भी ज्यादा कमाई कहीं ना कहीं ब्लॉग से होती है, वेबसाइट से होती है, क्योंकि एक यूट्यूब वीडियो वॉच करने पर कहीं एक ऐड आता है, जबकि अगर आपका जो ब्लॉग है आपकी वेबसाइट कोई 1% देखता है तो वहां पर 8 से 10 एड आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कमाई कहीं ना कहीं यूट्यूब से बेहतर आपको ब्लॉगिंग में हो सकती है। नंबर 2 पर जो बिजनेस है वो है कोचिंग क्लासेस। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कोचिंग सेंटर का बिजनेस शुरू करना चाहिए। इसके अलावा कोचिंग सेंटर के अलावा आप कोई प्ले स्कूल खोल सकते हैं, नॉर्मल स्कूल खोल सकते हैं, इसके अलावा भी आप कंप्यूटर सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। तो ये स्कूल सेंटर का जो बिजनेस है, स्कूल का या कोचिंग सेंटर का जो बिजनेस है, काफी यूनिक बिजनेस आइडिया है। इसे आप चाहें तो आप अपने पैसे लगाकर आप टीचर हायर करके अपना खुद ना करके दूसरों से भी करवा सकते हैं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में भी ये बिजनेस काफी अच्छा चलेगा और आप उससे अच्छा यानी महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। नंबर 3 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है हैंडक्राफ्ट सेलर। दोस्तों हाल ही के समय में भारत सरकार ने कई राज्यों में हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को और उसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के योजनाएं लागू किया है। इसके अलावा भी आज की जो जनरेशन है हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद कर रही है, जैसे कि विभिन्न धातुओं के बर्तन, पेंटिंग, सॉल, कॉलीन, लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, उसके अलावा कसीदकारी के सामान और कांस्य और संगमरमर से बनी मूर्तियां आदि इसमें शामिल है। अगर आप इनको जाकर देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, तो इनकी जो प्राइस है कहीं ना कहीं जो नॉर्मल प्रोडक्टों से कहीं ना कहीं ज्यादा हाई है। अगर आप इन्हें चाहें तो अगर खुद बनाते हैं तो इन्हें फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, इसके अलावा कई सारी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, अपना खुद का एक शॉप खोल सकते हैं, इसके अलावा भी इन्हें होलसेल में भी आप बेच सकते हैं। तो अगला जो नंबर 4 पर बिजनेस है वो है यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में कोई भी चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो बेरोजगार है या कोई स्टूडेंट है, हर एक के पास में लगभग आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएगा। अब यूट्यूब
चैनल के लिए जरूरी नहीं है कि आप अगर बेरोजगार हैं तभी आप इसे शुरू करें, कोई भी इसे शुरू कर सकता है और इसमें ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। और यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप एक बार मेहनत कर देते हैं तो आप जिंदगी भर पैसे कमाते रहेंगे। हालांकि आप में को इसमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया होता है वो आपको पहले पूरा करना पड़ता है, यानी कि 3000 यहाँ पर वॉच टाइम और आपको 500 सब्सक्राइबर जैसे पूरे हो जाते हैं आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप पैसे कमाने लगे। इसमें आप जो गूगल एड्स से तो पैसे कमाते ही हैं, इसके अलावा भी इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अगला जो बिजनेस है दोस्तों वो है नंबर 6 पर, वो बिजनेस है आइसक्रीम पार्लर बिजनेस। दोस्तों आज के समय में देखेंगे तो आइसक्रीम की बिक्री सबसे ज्यादा होती है गर्मी सीजन में। इसके अलावा जो आइसक्रीम बनाने की लागत होती है वो कहीं ना कहीं 20-30% होती है जो प्राइस होता है, और उसमें प्रॉफिट लगभग में आप 70-80% तक कमा लेते हैं। दोस्तों अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चाहें तो किसी बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर भी शुरू कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी आपके पास लगभग 1,00,000 रुपए हैं तो आप दोनों तरीके के बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगला जो बिजनेस है नंबर 7 पर, इस पर वो है रियल एस्टेट का बिजनेस। दोस्तों रियल एस्टेट का बिजनेस एक ऐसा यूनिक बिजनेस है जिसमें आप कम एफर्ट के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे सेलर नहीं है तो आप इसमें अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप अच्छे सेलर हैं तो रियल एस्टेट एजेंट बनकर महीने के 1-1.5 लाख आसानी से कमा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने एक ही डील करा दी तो एक डील में आपको 5-10 लाख रुपए आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने डील किस तरीके से कराई है, तो यह व्यवसाय आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। इसमें आप बिजनेस में ऑफिस प्लॉट मकान व जमीन को किराए पर दिलवा सकते हैं या फिर उसकी बिक्री करवा सकते हैं। इसमें आप दोनों तरफ से कमीशन लेकर अपनी प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर जो बिजनेस है वो है साइबर कैफे। जी हाँ, भारत के डिजिटल होने के साथ साथ बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर किसी के पास पढ़ाई के लिए एक अच्छा साधन नहीं है, यानी कहा जाए तो व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं होता है। ऐसे में उन्हें अपनी निजी जरूरतों के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चीजें होती हैं, ऑनलाइन काम होते हैं जिनको साइबर कैफे में कराया जाता है। तो साइबर कैफे खोलने के लिए आपके पास अगर थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज है तो आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन है, एक शॉप है, तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लगभग अगर आपके पास 70,000 रुपए हैं तो आप साइबर कैफे खोलकर महीने के 1,00,000 से ज्यादा कमा सकते हैं। तो नंबर 9 पर जो बिजनेस है वो है फास्ट फूड बिजनेस। दोस्तों हर किसी को कुछ ना कुछ खाने को, कुछ नया खाने की इच्छा होती है, इसलिए आज के समय में यह व्यापार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप फास्ट फूड बनाने में माहिर हैं, अच्छे हैं, तो आप ये बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। आप अपने एरिया में फूड आइटम्स जैसे बर्गर, एग रोल, नूडल्स, मंचूरियन और भी बहुत सारे फास्ट फूड होते हैं जिनको बनाकर अपना एक शॉप खोलकर अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी चले गए हैं, आप महीने के 20-50,000 रुपए फिर भी छोटे लेवल पर आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों अगला जो बिजनेस है वो है प्रिंटिंग का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में प्रिंटिंग के बिजनेस की डिमांड काफी ज्यादा है। हर कोई टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, कार्ड प्रिंटिंग, बैनर, पोस्टर आदि चीजों को करवाता ही है। तो आप इस तरीके का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जिसमें आप बैनर छपा सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग, कप प्रिंटिंग, इसके अलावा जो आपका विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग, इसके अलावा भी आपको कई तरीके के प्रिंटिंग के कार्य इसमें करने होते हैं। इसमें आप इस तरीके के बिजनेस को शुरू करके भी अच्छी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट मशीन जिस तरह से आप लेंगे बढ़ सकता है, लगभग आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो इस बिजनेस को आप आसानी से शुरू करके महीने के 50,000 तक कमा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिसको आप जिनमें से किसी एक बिजनेस पर आप काम करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वैसे भी इनमें 10 बिजनेसों में अगर आपको किसी भी बिजनेस पर कोई भी डाउट है, कुछ डिटेल में जानना है, तो कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई तो किया ही जाएगा। इसके अलावा भी उस बिजनेस आइडिया पर डेडिकेटेड वीडियो लाने का प्रयास रहेगा। तो ये वीडियो था, ये बिजनेस आइडिया था, आशा करता हूँ कि ये बिजनेस आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। तो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय।